तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू कीप योर टर्टाइस हेल्थी और हैप्पी, कि आपके टर्टाइस को अगर आप अपने घर में पेट के हिसाब से रखते हैं तो उसको किस तरह हैप्पी रखें और हेल्थी रखें। बहुत से लोग इसको रखते हैं लेकिन प्रॉपर केयर ना होने की वजह से बहुत जल्दी मर जाते हैं या बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का प्रोवाइड करना है जिससे ये फिश हेल्थी और हैप्पी रहे। तो कम्प्लीट आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, ऐसे चैनल जिसमें आपको फीचर्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, आज का टॉपिक है हाउ टू कीप योर टर्टाइस हेल्थी एंड हैप्पी। देखिए टर्टाइस जो है, टर्टाइस 2000 साल से भी पुराना ये पेट है जो दुनिया के अंदर मौजूद है। यानी कहा जाए तो ये क्रिएचर इस तरह है जो 2000 साल से भी ज़्यादा डायनासोर के हिसाब ज़माने से भी ये मौजूद है। ये टर्टल्स बहुत सारे वेरियस वेराइटी में आते हैं, बहुत कलर्स में आते हैं, बहुत अलग अलग स्पेसीज में मिलते हैं। बहुत से लोग इसको पेट्स के हिसाब से रखा जाता है, बहुत जगह इलीगल भी है, बहुत जगह लीगल भी है। आप इसको ध्यान में रखते हुए इसका केयर इसको ख़रीदें। अगर इलीगल है तो इसको ना ख़रीदें, अगर लीगल है तो आप इसको लेकर केयर करें। जैसा कि बहुत से अलग अलग स्पेसीज में हैं, जैसा कि सुलकटा या लियोपॉड, रेड फूड, येलो फूड, ग्रीक रूसा, हेरमन, इंडियन स्टार टर्टाइस, इस तरह के टर्टाइस अलग अलग वेराइटीज़ में हैं जो ज़्यादातौर पर पेट के हिसाब से रखा जाता है। बाकी बहुत से स्पेसीज हैं वो उसको पेट के हिसाब से नहीं रखा जाता, लेकिन ये जो पेट के हिसाब से रखा जाता है, ये ज़्यादातौर पर 2 फीट से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और एक्वेरियम में आप रखने के बाद 5 से 10 साल तक ये जी लेते हैं। अगर आप टर्टाइस खरीद रहे हैं तो प्रॉपर जगह से ख़रीदें जहाँ रिस्पेक्ट हो और प्रॉपर हो और लीगल तरीके से सेल किया जाता है, वहाँ पर ख़रीदें। इलीगल तरीके से लेकर खरीद कर रिस्क ना लें और प्रॉपर इसकी फीड करें और वहाँ से ही खरीदें जहाँ इसकी प्रॉपर की केयर की जाती हो और प्रॉपर फीड की जाती हो। टर्टल ज़्यादातौर पर वेजिटेबल भी खाते हैं, जैसा कि ब्रोकोली है, ग्रीन बीस है या केल है, मिक्स ग्रीन्स, रेडी फिंगर या इस तरह की भिंडी या खीरा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप इसको फीड कर सकते हैं। इस तरह के फूड उसको फीड करें, इसकी प्रॉपर केयर कर लीजिए। और यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है टर्टाइस और टर्टल के लिए। विदाउट यूवी लाइट्स आप टर्टल या टर्टाइस को ना रखें, क्योंकि इससे ये बहुत जल्दी सीख हो जाते हैं। यूवी लाइट ज़रूर लें टर्टाइस के लिए, इनकी प्रॉपर हेल्थ के लिए और हैप्पी और हेल्थी रखने के लिए। और इनके सेटअप के लिए इस तरह सेटअप करें कि थोड़ा टैंक के अंदर पानी भी रहे, ताकि जब उसके अंदर चाहे उसको स्विम कर सकें या अपने आप को बात कर सकें और उसको ड्रिंक कर सकें। इसलिए ज़रूरी है जब भी ये हफ्ते में एक बार या 3 दिन के अंदर पानी पूरा का पूरा चेंज करें। एटलीस्ट 30% पानी जो है सेटअप इस तरह करें कि पानी टैंक के अंदर सेटअप हो और प्रॉपर सेटअप करें एक्वेरियम का, इस तरह सेटअप करें कि उसके अंदर ये प्रॉपर कंफर्टेबल फील करें और 30% पानी भी अवेलेबल हो। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर पानी भी मौजूद हो, ये जब चाहे इसके अंदर बात ले सके और पी सके, पानी को ड्रिंक कर सके। इसलिए हफ्ते में एक बार या 2 बार पानी को पूरा कंप्लीट चेंज करते रहे ताकि पानी क्लीन और क्लियर रहे। जब आप पानी फीड करते हैं, पानी इसके सामने रखते हैं तो इमीडिएटली पानी को पी लेते हैं, तो इसका मतलब ये है ये हेल्थी और हैप्पी है। तो इसको भी देख कर आप मालूम कर सकते हैं कि ये है। और अगर आप इसकी टैंक बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक्रेलिक टैंक ना खरीदें, क्योंकि ये टैंक को स्क्रैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक्रेलिक होगा तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं और धुंधला भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए ग्लास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेरेन जिसे कहते हैं, इस तरह एक्वेरियम में टेरेन के लिए इस्तेमाल करें, ये सेफ़ रहेगा। और ज़्यादातौर पर टर्टाइस स्विमर बाहर मूव अराउंड करना पसंद करता है, इसलिए कोशिश करेगा कि बाहर आए और दिन में 3 से 4 घंटे आउटडोर रखें तो बेहतर है। और डायरेक्ट सनलाइट से बचाए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा हो जाएगा तब भी टर्टाइस को प्रॉब्लम हो सकती है, सिक हो सकते हैं और बहुत से लोग ने इस तरह फेस किया कि मर भी जाते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट से सनलाइट दे, डायरेक्ट सनलाइट ना दे। आप लाइटिंग में 100 वाट्स का लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके सेटअप टैंक के लिए 100 वाट्स तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 30% या 28% टेम्परेचर रखें, यूवी लाइट्स ज़रूर रखें। देखिए आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस तरह एक तरफ यूवी लाइट्स है, एक तरफ लाइटिंग है, इस तरह के सेटअप आप इसको दे सकते हैं। और पानी के अंदर टर्टाइस के टैंक के अंदर बालू का इस्तेमाल ना करें, जैसे सैंड या कोई चीज़ें ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टर्टाइस को खा सकता है, खाने के बाद इसको प्रॉब्लम हो सकती है और मर भी सकता है। इसलिए ग्रेवल का इस्तेमाल करें, सैंड का इस्तेमाल ना करें सेटअप के दौरान, या सीमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुली बालू या खुले सैंड ना डालें। आप टर्टाइस टैंक के अंदर लाइव प्लांट डाल सकते हैं जो उनको शेल्टर अदा करें और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल प्लांट जो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, इस तरह की सेटअप आप इसको दे सकते हैं। प्लांट्स होने की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर अमोनिया और नाइट्रेट कम मिलेगा, जिससे
हेल्पफुल हो सकता है इनके सर्वाइव करने के लिए। जब आप प्रेडेटर्स रखते हैं अपने पेट के हिसाब से तो डॉग्स और कैट्स से अवॉइड करें, क्योंकि डॉग्स और कैट्स इनको अटैक कर सकते हैं। और यह भी एक चीज़ है कि ज़्यादातौर पर दिन में टॉर्टेस स्लीप करते हैं, सोना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आपके टॉर्टेस ज़्यादा सो रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा भी दिन में ये रेस्ट लेते हैं तो ज़रूरी है कि आप इनको ट्रीटमेंट करें या डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते तो प्रॉपर केयर इसका जानकर, ट्रीटमेंट क्या है उसको देखकर इसको प्रॉपर केयर करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ये टर्टाइस हैप्पी रहेंगे और हेल्थी रहेंगे और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। डेली वन टाइम्स एटलीस्ट फीड करें और अनईटन फूड निकाल दें ताकि एक्वेरियम का माहौल ख़राब ना हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।